हेलो देयर ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपको हरी मिर्चों को किस तरह से स्टोर किया जा सकता है और इसके यूजेस बता रही हूँ। ये मेरे गार्डन की हरी मिर्चें हैं और मेरे घर के किचन गार्डन की हरी मिर्चें हैं। ये मैंने तोड़ी थी तो अब मैं इसे सेव करना चाह रही थी। सबसे पहले मैंने चंद हरी मिर्चें ली हैं। ये मैंने अच्छे से धो के इनको फैला के रखा था धूप में ताकि ये ड्राई हो जाएं। उसके बाद ये ड्राई होने के बाद ये जो हरी मिर्चें हैं, चंद हरी मिर्चें लेके मैंने इनको कट लगाया। और ये जो हरी मिर्चें हैं ये मैं अचार के लिए तैयार कर रही हूँ। अचार मेरा डला हुआ है, उसके अंदर मैं ये हरी मिर्चें, जो जैसे जैसे मेरे गार्डन से हरी मिर्चें उतरती हैं तो मैं थोड़ी थोड़ी करके फ्रेश जो हरी मिर्चें हैं वो अचार में शामिल करती रहती हूँ। इस तरह से मिर्चें भी मेरी यूज़ में आती रहती हैं और इसके अलावा फ्रेश जो हरी मिर्चें हैं वो मुझे अचार में मिलती रहती हैं। इसी तरह से आप सारी हरी मिर्चों को कट लगा लें। और मैंने कभी भी अचार के लिए अलग से हरी मिर्चें नहीं ली। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी जो मेरे गार्डन से हरी मिर्चें उतरती रहती हैं उन्हीं से उनको मैं अचार में शामिल करती रहती हूँ। इसको मैं कट लगा दूँगी। कट लगाने के बाद 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और ये थोड़ी सी हरी मिर्चों के लिए मैंने 2 टीस्पून चीनी ली है। 1 टीस्पून नमक था और 2 टीस्पून चीनी थी। अब इसको मिक्स करके आप मिर्चों के अंदर भरते जाएं। जब एक एक मिर्च जो है इसमें फिल हो जाए, ये देखें जिस तरह से मैं ये फिलिंग कर रही हूँ मिर्चों के अंदर नमक और चीनी की, इस तरह से जो मिर्चों का तीखापन है वो ख़त्म हो जाता है और ये हमारे अचार में ख़राब नहीं होती मिर्चें और ये बहुत अच्छे से मिर्च तैयार होती है। अब मैंने ये सारी मिर्चों के अंदर एक एक करके फिलिंग करती जा रही हूँ चीनी की और नमक की। उसके बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी, 15 से 20 मिनट। और ये जो मिर्चें हैं हमारी ये अच्छे से, क्योंकि इसमें नमक और चीनी डाली ये खुद से पानी छोड़ देगी, चीनी कुछ मेल्ट हो जाएगी कुछ रह जाएगी, चीनी और नमक कुछ मेल्ट हो जाएगा कुछ रह जाएगा। और इसको आप रख दें और ये पानी छोड़ देगा। ये देखें ये चीनी जो है वो कुछ मिक्स हो गई है, कुछ रह गई है और कुछ इसने थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो छोड़ दिया है। अब मेरे पास जो पहले से तैयार अचार पड़ा हुआ है जिसमें मैंने पहले भी काफ़ी सारी मिर्चें डाली हैं। मिर्चों का अचार मुझे खुद बहुत पसंद है। ये देखें ये मैंने इसके अंदर मिर्चें शामिल कर दी हैं अचार के अंदर। अब इसको अचार को हिलाने की तो ज़रूरत नहीं है, बस आप एक चम्मच लें। ये अचार मेरा इतना मज़े का बहुत अच्छा अचार मेरा तैयार था। अब आप कुछ चम्मच लें, कोई सा भी चम्मच लें, साफ गीला ना हो, और उसकी मदद से आप मिर्चों को सिर्फ प्रेस करके ऑयल इनके ऊपर आ जाना चाहिए। ये देखिए लहसुन का अचार, ये लेमन का अचार, ये आम का अचार, और इसी तरह से ये मैंने हरी मिर्चें पहले भी डाली हुई थी। ये देखिए ये कितना मज़े का मेरा आम का अचार भी है। और बस इसको हिलाना तो है नहीं, सिर्फ आपने थोड़ा सा चम्मच के साथ प्रेस कर देना ताकि ये ऑयल के अंदर थोड़ी सी डिप हो जाए, और इसको ढक्कन लगा दें और आपका अचार, इस तरह से अचार में ये मिर्चें हमारी बहुत मज़े की तैयार हो जाएंगी। अब ये मैंने कुछ ड्राई हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैं चॉपर में डाल रही हूँ। एक हिस्से में डाल दें, दो हिस्से में डाल दें, बस आप इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लें। थोड़ा सा आपने मोटा इसको क्रश करना है क्योंकि ये जो मुझे मिर्चें चाहिए ये मैं सिरके में डाल के रखूँगी। अब ये मैं बाकी भी डाल रही हूँ, और इसको आप किसी भी जार में डाल के इसके ऊपर सिरका डाल दें, एज अ सैलड यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। और ये जो सब्ज मिर्चें हैं ये बहुत अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए। मैं इसको फ्रेशली सिरके में डिप करके रखती हूँ और ये किसी भी चीज़ के साथ बाकी की जो मिर्चें हैं उनको मैं दोबारा ज़्यादा बारीक जो है वो चॉप कर रही हूँ। ये देखें ये थोड़ी ज़्यादा चॉप हो गई है। अब इनको मैं किसी भी कंटेनर में डाल के, जो मेरे पास कंटेनर होगा, किसी भी कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रख दें ढक्कन लगा के। 1 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑमलेट में, हांडी के अंदर, सब्जी के अंदर, ऑमलेट में, किसी भी सालन में, किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये क्रश की हुई, ये चॉप की हुई हरी मिर्चें। मैं इसी तरह से करके पूरे वीक की रख लेती हूँ। क्रश की पड़ी हो तो बच्चों को भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बच्चा भी ऑमलेट बना सकता है इसके साथ। और ये जो सिरके वाली मिर्चें हैं इसको डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी, एज अ सैलड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये मेरी जो गार्डन की मिर्चें हैं सारी यूज़ हो गई। और गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक है और मैंने बहुत सारे पौधे और फूलों वाले पौधे, इसके अलावा फ्रूट्स वाले पौधे लगाए हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपना किचन गार्डन दिखाऊंगी और इसके अलावा अपना गार्डन जो है घर का गार्डन मेन वो भी दिखाऊंगी। मुझे पौधे और फूल पत्तियां लगाने का बहुत शौक है और इसके अलावा
ये मेरे गार्डन की फ्रेश फ्रेश सब्ज़ मिर्चें जो मुझे बहुत पसंद हैं। धनिया, पुदीना, सौंफ, सब्ज़ मिर्चें, हर चीज़ मैंने लगाई हुई है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपने गार्डन का विज़िट करवाऊँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।